सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। आजाद रहते हुए इस मुद्दे के ऊपर जमा हुए हैं, उनके बयान के अंदर तब्दीली आई है, लेकिन बहरहाल ये चीज ऐसी नहीं है कि जो दो चार दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, हमें यकीन है। और इसके अभी आपने देखा होगा एक मसला पैदा हुआ कि इलेक्शन के अंदर और उससे पहले भी आसाम के अंदर ये मसला पैदा हुआ कि इस मुल्क के अंदर चाहे हिंदू हो, कलकत्ते के अंदर ये बात आई कि चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, जो हिंदुस्तान का रहने वाला आए अगर कहीं बाहर चला गया है, अगर वो हिंदुस्तान आएगा तो हम उसको नेशनलिटी देंगे, अपने मुल्क में रहने का हक देंगे, लेकिन उसके अंदर कहीं मुसलमान का नाम नहीं है। हमने उसकी मुखालफत की। हम हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की मजम्मत करते हैं, यानी निंदा करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, उन्हें ये बात हरगिज नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए कि वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनका ये बयान में दिया है मुल्क की मुखालफत है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और मैं आगे बढ़कर कहूँगा कि जो हमारा और आरएसएस के मोहतरम संचालक का एक इत्तेफाक हुआ है, ये उस इत्तेफाक के मुखालिफ है, इसलिए भी हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि मुल्क के हर बसने वाले के लिए एक ही हक है। ये नहीं है कि मजहब के नाम के ऊपर आप किसी को निकाल दें और मजहबी के नाम के ऊपर किसी दूसरे को मुल्क की नेशनलिटी दे दें। इसका मतलब है कि आपने मुल्क के दस्तूर को आग लगा दी, मुल्क के दस्तूर के अंदर अकलियतों को हुकूक दिलाने वाली जमीयत उलमाए हिंद है, इसलिए हम इसके सबसे बड़े मुखालिफ और विरोधी हैं, रहे हैं और रहेंगे, और आज भी इसका विरोध करते हैं। ये हमारे मसाइल हैं जिनको हम आलन ऐलान कहते हैं, बाबा के दोहल कहते हैं, इस सब के सामने कहते हैं, और हमें इसके कहने के अंदर कोई तरद्दुद और शंका भी नहीं है। कश्मीर के मसले के ऊपर हम कह चुके हैं कि कश्मीर में 370 का जो मसला है वो कोर्ट के अंदर है और एक कानूनी मसला है, क्या गवर्नमेंट को हक है या गवर्नमेंट को हक नहीं है 370 की दफा को उठा लेने का। लेकिन एक चीज़ अपनी जगह पर अहमियत रखती है कि वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वो 2-4, 10-20 नहीं है, 70 लाख की तादाद है। आज उसको 90 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ सारे कारोबार ठप पड़े हुए हैं, दुकानें वहाँ बंद हैं, कोर्ट में काम नहीं हो रहा है, अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, दुनिया परेशान है। इस परेशानी के अंदर मैं वही बात कहता हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने मोहन भागवत जी ने कही थी कि हिंदुस्तान की हुकूमत का ये फर्ज है तो वो उन लोगों की विपदा को समझे और उनके मसाइल को दूर करे, उनकी परेशानियों का हल निकाले। हम समझते हैं कि 70 लाख आवाम की तहरीक है इस मसले को ताकत के बलबूते का, जैसी ताकत वियतनाम में पहुंची और अवामी तहरीक के मुकाबले के अंदर पीठ फेर कर वहाँ से निकली, रूस जैसी सबल ताकत अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर गई और टुकड़े टुकड़े होकर के निकली है। अवामी तहरीक का मुकाबला ताकत के बलबूते के ऊपर दुनिया में कभी नहीं हो सकता। हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि उनके साथ बैठकर अमन की बातचीत कीजिए, उन्हें राम कीजिए। हम मानते हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा, पहले भी कहते चले आए, आज भी कहते हैं,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ के आवाम इस बुनियाद के ऊपर कि वो कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं, उनकी उनकी तकलीफ का एहसास ख़त्म हो जाए। नहीं, मुल्क का ये फर्ज है कि उनकी तकलीफ को गुफ्तगू के बाद हल करे, उनके मसाइल को हल करे, उनकी परेशानियों को दूर करे। हम गवर्नमेंट को इसकी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं और हमने किया है। लिंचिंग का भी एक कानून है, आज तक उसके अंदर लोग कहीं ना कहीं मर रहे हैं, लेकिन हमें इसका अफसोस है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ अब तक इस मसले के अंदर कानून नहीं बना। जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, कलकत्ते में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन गवर्नमेंटों ने कानून बना दिया और इस कानून के बनने के बाद वहाँ इस तरीके के हवादिस नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालबा रहा है और इस मुतालबे को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ लोग गुंडागर्दी करने वाले कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, और कानून को अपने हाथ में अगर जनता लेगी तो इसका अंजाम पूरे मुल्क अक्सरियत और अकलियत दोनों के लिए बहुत भयानक होगा। हमारा ये मुतालबा है इंतहाई कुव्वत के साथ कि बीजेपी ये हिदायत करे सूबों को और मरकज़ के अंदर भी कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ बनाए। अगर नहीं बनाती तो इससे इसका इशारा मिलता है कि बीजेपी पार्टी गोया के मॉब लिंचिंग के मसाइल को सही समझती है और ये बहुत ख़राब बात है। याद रखिए कि अगर किसी मुल्क के किसी नज़रिए के उठाने वाले लोग और गुंडागर्दी करने वालों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त दे दी गई तो न अक्सरियत में बनाना चाहिए। मुसालहत का मसला नहीं, ये बात की है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमने कोई बात ऐसी नहीं कही है अब तक, लेकिन हम मुसलमान बैठेंगे, मुसलमान बड़े लोगों को लेकर बैठेंगे और उसके बाद हमारी हिकमत अमली क्या होती है उसको देखेंगे और वो हम करेंगे, उसको सामने लाएंगे। आप उर्दू में बोलिए, उर्दू बोलिए। हम एनआरसी के मुखालिफ नहीं है, हम तो कहते हैं एनआरसी, लेकिन एनआरसी तासुब की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। आप हर आदमी को ये हक है कि वो अभी मैं आपसे कहता हूँ, आसाम के अंदर मसला हुआ, आदमी अपने सबूत लेकर के गया और उसने बैठे हुए आदमी से ये कहा जो मैंने नहीं मुझे नमाज पढ़नी है, इसलिए मेरे कागजात को आप देख लें। वो इतना गुस्सा आया कि उसने पकड़ करके फौरन पुलिस के हवाले करके और डी वोटर लिस्ट का निशान लगा के भेज दिया उसको। हम इसके मुखालिफ हैं, ये कोई बात नहीं है कि पूरे मुल्क आपको मालूम नहीं है। आसाम के अंदर अब वो 6 लाख मुसलमान और तकरीबन 9 लाख हिंदुओं के लिए जो रह गए हैं उन सबूत को पेश करने के लिए 100 हैं। आप उनको बैठा के कोई स्कूल का मास्टर है, कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है, कोई इन लोगों को ला करके बैठा दीजिए। वो कानून को नहीं जानते, ये लोग सबूत पेश करते हैं वो नहीं समझते। उनका एक ही काम है कि बस ये डी वोटर लिस्ट के अंदर है, इसका सबूत नहीं है, ये गैर मुल्की है। हजरत एक आप बोल रहे हैं अमित शाह जी को आपने क्रिटिसाइज किया है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है?
हम तो इसके बारे में कह सकते हैं इसको खराब समझते हैं आप खराब ये देखिए वो ही आएगा ए भाई जो हिंदुस्तानी है आप उसको लीजिए तो मुझसे ये कहा गया कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए बेशुमार मुल्क है उन मुल्कों के अंदर हिंदुस्तानी जा सकते हैं मगर आप ये सोचिए कि ये कितनी कमजोर दलील है वो कौन सा मुल्क है मुस्लिम मुल्क जो हिंदुस्तान के मुसलमान को नेशनलिटी देगा तो यही वो सुन ले आप मेरी बात पूरी होने दे अगर नहीं है और खलीज के मुल्कों के अंदर अबू धाबी है दुबई है कुवैत है कतर है मस्कत है अगर कानून की बुनियाद पर वहाँ किसी को नेशनलिटी मिलती है तो बेशुमार हिंदू भी है वहाँ आप बहरीन में जाइए पूरा सोना मार्केट हिंदुओं का है किसी को नेशनलिटी कुछ बुनियादें हैं अगर कागजात सही हैं वो नेशनलिटी देते उनकी नेशनलिटी मुस्लिम और हिंदू की बुनियाद के ऊपर नहीं है इसलिए हमारा मानना यह है कि जो हिंदुस्तानी है मजहब से ऊपर उठकर वो अगर हिंदुस्तान में रहता है आप उसको नेशनलिटी जिस तरह हिंदू को देने की बात कहते हैं इसी तरह मुसलमान को अगर वो हिंदुस्तानी नहीं है कहीं और उसके माँ बाप पैदा हुए चलने वाले आप उनको न दें हम उसके बारे में नहीं कहते हजरत हजरत एक मिनट हजरत एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि जमीयत उलमा हिंद अपनी मजलिसे आमला में ये तमाम तजावीज़ पेश कर दी थी फिर क्या वजह हुई कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं अभी हम तो अपने इस पैगाम को आज पूरी दुनिया के अंदर फैलाना चाहते हैं हमने जो किया वो अखबारात के अंदर आया उर्दू प्रेस के अंदर आया हमें बहुत खुशी है कि अंग्रेजी प्रेस में आया हिंदी प्रेस के अंदर आया लेकिन हमारा ये पैगाम पूरे दुनिया के अंदर फैला हो ये बात नहीं है हम इस पैगाम को अपने अमन अमान के पैगाम को मोहब्बत के पैगाम को मजहब से ऊपर उठकर जो हमारी मुल्क की हजारों साल की एक रिवाज है और एक विशेषता और खसूसियत है हम उस पैगाम को अपने मीडिया के को सामने रखते हुए सारी दुनिया के अंदर आम करना चाहते हैं आदमी शाम को 4 बजे मुलाकात हम इसकी कोशिश करेंगे ऐसे सूरत पेश आएगी बहुत देखिए आप पहली बात कहते हैं मैं ये कहता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ कि लोग सहमे हुए हैं डरे हुए हैं एक तो मॉब लिंचिंग का मसला है जिसके अंदर आपके आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं वो मजहब की दुनिया के अभी नाला सुमारी के अंदर एक मदरसे के अंदर घुस गए अभी 5-6 दिन का मामला है मारा पीटा बच्चों को मारा जो उस्ताद थे उनको मारा तमाम खून में लथपथ है और वो मोबाइल के अंदर लोगों ने देखा है वही जाहिर है कि इससे उन लोगों को खौफ होता है कि जो देहातों के अंदर रह रहे हैं अकलियत के अंदर हैं कहीं 5 घर मुसलमान हैं कहीं 2 घर मुसलमान हैं वो इस चीज़ को अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहे हैं सारे मुल्क के अंदर आबादियां हमारी हजारों साल से ऐसी हैं कि
कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हैं, कहीं अकलियत में है कहीं अक्सरियत के अंदर है। ये सूरत हाल जाहिर है कि एक परेशानी का मसला सबके लिए बनी हुई है कि हमारी जिंदगी हमारे बच्चों की जिंदगी इस माहौल के अंदर, जबकि बीजेपी कोई कानून नहीं बना कर ला रही है, उससे इशारा मिलता है कि वो एक तबके को ये छूट दे रही है कि वो जो जी चाहे करे, खौफ इससे पैदा होता है। इसलिए बीजेपी अगर कानून ले आए माउंटेन चीफ के खिलाफ, ये दूर हो जाएगी, कि हमारा कहना है। आपकी प्रेस मीट में एक बात कही गई है कि आस्था की बुनियाद पे फैसला ना हो। हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में देखा था कि आस्था भी एक कहीं ना कहीं एक चीज थी। दूसरा, ये वो कौन सा फार्मूला है जो हमारे लोगों को दिया गया है, इस फार्मूले को क्या आप अपने मोहन भागवत के सामने रखा है? हमारी ये बात नहीं हुई थी, बल्कि जब मुसालहत के फार्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया तो मैंने ये बात कही, मैं कहता था कि मुसालहत का फार्मूला अब तक 11-12 दफा नाकाम हो चुका है, अब भी कामयाब नहीं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुतय्यन कर दिया तो मैं उसके लिए एग्री हो गया। हमारी बात मैं गया लखनऊ और मैंने लखनऊ जाकर के ये बात जमा करके लोगों को रखी, से नीचे आए। अगर कोई दोनों फरीक एक भी नीचे नहीं आएगा तो सादात नहीं होगी। हम समझते हैं कि हमें पहल करनी चाहिए इस मसले के अंदर। उन लोगों ने कहा क्या, मैंने ये कहा कि हमारा इस वक्त स्टैंड ये होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का एक वो हिस्सा है जो तीन गुंबद के नीचे है, एक उसका सहन है, ये सहन आखिर तक पहुंचा था, लेकिन तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो रहे हैं जब वो जो पीछे का हिस्सा है सहन राम चबूतरा है और सीता जन्म के स्थान है राम चबूतरा। मैंने उन लोगों से कहा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मुसालहत की लाइन दी है, हम अब जहां खड़े हैं उससे नीचे उतर जाएं, और अगर दूसरा फरीक नीचे उतरता है सुलह करता है, हम इन तीनों मुसालहतकारों से ये कहें कि अगर वो नीचे उतरते हैं तो हम इस पर गौर कर सकते हैं कि जो पिछला सहन है हम उनके हक में छोड़ दें, हालांकि वो मस्जिद का हिस्सा था, हालांकि वो वक्फ है, हम उसके ऊपर अपने दावे को छोड़ देंगे। लेकिन जहां इंग्लैंड लगी हुई है और दीवार बनी हुई है, हम उससे दस्तबरदार नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमें इसका अफसोस है कि मुसालहतकारों ने भी इसको महसूस किया होगा, और उसके अंदर वो थे रवि रविशंकर, ये चाहे रामलला के लोग हो, चाहे अखाड़े के लोग हो, चाहे किसी ने अपने उस स्टैंड से एक इंच भी नीचे नहीं उतरे, उनका तो एक ही मुद्दा था कि मुसलमान मस्जिद हमको दे दे, मुसालहत नहीं हो सकती। वरना हमने मिलकर के, मैं ही था जो दिल्ली से मैंने कार से सफर किया वहां का, और मैंने बैठा करके एक बात को उनके सामने पेश कर दिया कि अगर आप हम वहां से उतरने को तैयार हैं, अगर फरीक में मुखालिफ भी अपने स्टैंड के अंदर हो, लेकिन वो नहीं लाया क्या करना, कोई नहीं। पर
आपको लगता नहीं आपकी ये दोनों मसाइल अलग है। मैं जो कह रहा हूँ आज भी इतनी कांग्रेस के अंदर है, ये आज कानून की बुनियाद पर नहीं कोई और मसला आता है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करें। हम तो आज कह रहे हैं आपसे, आज नहीं पहले भी हम कई बात सही कह रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि मस्जिद ऐसी चीज नहीं है, मस्जिद अल्लाह की मस्जिद है, हम उसको देने वाले नहीं है। जब हमारा मुद्दा ये कि जिस जगह मस्जिद थी वो मस्जिद है, कयामत तक रहेगी, दुनिया तक मस्जिद रहेगी। अगर हम